नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट में काफ़ी जो है वो कुछ वीकनेस देखने को मिल रहा है, कमजोरी चल रही है, चाहे वो चाइना का मार्केट हो या US का मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर मार्केट पे इस तरह का जो प्रेशर पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है, किस वजह से पड़ रहा है और कब तक उम्मीद है कि ऐसा चलता रहेगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट पर खास करके इसका क्या असर होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स है वो इधर काफ़ी डाउन चल रहा है। आप ये US मार्केट का चार्ट आप देख रहे हैं, चाहे डॉ इंडस्ट्रीज हो, चाहे S&P हो या नास्डेक हो, तो आप सब देख रहे हैं कि डाउन चल रहा है। और US में ही नहीं, और भी दूसरे जगहों पे, जैसे कि ये आप डॉ जोन्स का तो अभी मैंने बताया आपको, आप ये देख रहे हैं कि ये 600-700 पॉइंट जो है ये टूट रहा है। और इंडियन मार्केट में भी आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट थोड़ा सा जिग जैग चल रहा है, यानी कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है। ये सुबह में कभी ये नीचे की ओर होता है, शाम को फिर ये ऊपर चला जाता है, कभी ये सुबह में ऊपर की ओर होता है, शाम को इसका जो सेंसेक्स है या जो NSE का जो इंडेक्स है वो नीचे चला जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी। और जैसा कि आप देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि अभी इसने हाई बनाया था 59,705 का, ये इसने हाई बनाया था अभी ज़्यादा नहीं, बस 2-3 दिन पहले, और उसके बाद यहाँ से करेक्ट होते 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 ये 58,308 पे जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 1400 पॉइंट का करेक्शन इसके अंदर देखने को मिला, 1,400 पॉइंट का इसके अंदर सेंसेक्स जो है डाउन हुआ। तो ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है, ये ऐसे आप लोगों को तो पता भी होगा, मगर मैंने भी जो स्टडी किया था तो मैंने सोचा कि एक बार मैं जो मेरा डेटा है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि हम स्टॉक के बारे में तो अक्सर बात करते हैं कि ये स्टॉक खरीद लो, वो स्टॉक खरीद लो, इस स्टॉक का जो है क्वार्टरली रिजल्ट इतना है, ईयरली इसका नेट प्रॉफिट इतना है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना है। लेकिन हम ये भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कभी भी जब मार्केट पे प्रेशर है या मार्केट जो है वो उसमें वीकनेस दिखा रहा है तो किन वजहों से वीकनेस दिखा रहा है, एक्चुअल इसके रीजन क्या है। कि जब हम रीजन जानेंगे तो हम बहुत कुछ समझेंगे कि अभी जो है ये अगर इशू है तो ये इशू कितने दिनों तक रहेगा, तो कितने दिनों तक हमें मार्केट में से दूर रहना चाहिए, या हमें जैसे जैसे डीप हो रहा है वैसे वैसे बाई करना चाहिए। तो हमें स्ट्रेटेजी बनाने में आसानी होती है अगर हम फॉल के रीजन को हम जानेंगे या अपसाइड के रीजन को जानेंगे। तो हमारे लिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम किसी स्टॉक को स्टडी करते हैं। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रीजन फॉर फॉल, यानी कि गिरने का जो है या वीकनेस का रीजन क्या है। तो चाइना की एक कंपनी है एवरग्रैंड ग्रुप। तो एवरग्रैंड ग्रुप जो है ये चाइना का की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर है, रियल एस्टेट में इनका इनका कारोबार है, और ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है ये चाइना की, एक तरह की समझिए तो चाइना का बैकबोन है ये। और ये जो है अराउंड 3.8 मिलियन जॉब जो है वो हर साल एक कंपनी क्रिएट करती है, यानी कि 3.8 मिलियन जॉब्स का मतलब हो गया कि 38 लाख 38 लाख जॉब जो है ये हर साल ये क्रिएट करती है। तो ऐसा नहीं कि ये अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट देती है, नहीं, अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है, इनका जो डेवलपमेंट का काम है उसके कारण जो है वो 38 लाख जॉब जो है हर साल क्रिएट होते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई रियल एस्टेट का काम चलता है, कोई भी बिल्डिंग का काम चलता है, तो उसमें मजदूर भी काम करते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है सो आप देखिए तो ये ब्रिक भी, ईंट ईंट भी लगता है, उसके अंदर सीमेंट का भी काम है, उसके अंदर जो है सो कंक्रीट का पत्थर का भी काम होता है, उसके अंदर जो है सो स्टील आयरन रड का भी काम होता है, उसके अंदर फर्नीचर्स का भी काम होता है, उसके बाद आप उसके अंदर जो भी है वो शिफ्ट वगैरह ये सारा कुछ लगाते हैं, तो वो सेक्टर भी काम करती है, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक रियल एस्टेट का कोई भी टावर खड़ा होता है, कोई भी बिल्डिंग ये कंपनी बनाती है, तो उससे इतने सारे जॉब क्रिएट होते हैं
जिसका कोई मतलब, हम ये मान के चल रहे हैं कि रियल सेक्टर जो है वो एक तरीके से ये जानिए कि जैसे रेलवे में सबसे ज्यादा इम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलता है, तो रियल सेक्टर भी जो है वो उसी तरीके का है। हालांकि रेलवे के जैसा नहीं है, लेकिन का बहुत बड़ा इम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करने का एक सोर्स है। तो ये एवरग्रेन ग्रुप जो है ये भी बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करती है हर साल, और इसके अपने लगभग 2 लाख इम्प्लॉयज हैं एवरग्रैंड के। और एवरग्रैंड का जो प्रोजेक्ट्स है वो चाइना में लगभग अभी 1300 इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे थे, जो कि अभी इनकम्प्लीट हैं, और लगभग चाइना के 280 सिटीज में इसका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अब कोविड पेंडेमिक के कारण जो है इसका बिजनेस को काफी नुकसान हुआ, काफी इम्पैक्ट पड़ा इसके बिजनेस पे, क्योंकि ऐसे आपको पता है कि लोग जो है वो सभी कंट्री यही बोलती है कि भाई जो कोविड, जो जहाँ से जो जन्मदाता है कोविड का वो चाइना ही है, मगर चाइना भी उससे काफी ज्यादा इम्पेक्टेड हुआ, क्योंकि बायर के पास पेंडेमिक के कारण आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुआ। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो बायर थे वो उनके ऊपर जो ड्यू था वो सब टाइमली जो है वो ड्यू पे नहीं कर पाए, इसके कारण भी एक फिनेंशियल क्राइसिस आया। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि चाइना में जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो उसका जो डाउन पेमेंट होता है ना, वो डाउन पेमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि 15% आप डाउन पेमेंट दे दीजिए या 20%, वहाँ बहुत ज्यादा जो है सो डाउन पेमेंट का रेशियो है। उसके बाद जो है एवरग्रैंड के पास जो इसके जो इन्वेंट्री थे वो उसको बेच नहीं पाया। तो किसी भी रियल एस्टेट का इन्वेंट्री क्या होता है, जो उसने फ्लैट्स बनाया या अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना रहा है तो उसमें जो शॉपिंग मॉल में जो वो कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ऑफिस बना रहा है, दुकान बना रहा है, तो जो भी इनका जो इन्वेंट्री था इस तरीके का वो ये पूरा बेच नहीं पाया। अब उसके कारण क्या है कि जो एवरग्रैंड जो है इसके ऊपर 300 बिलियन US डॉलर का कर्ज है, लाइबिलिटी जो है इसके ऊपर वो 300 बिलियन US डॉलर का डेप्थ है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और इनको जो है एवरग्रैंड को वो 83.5 मिलियन जो है, यानी आप समझिए कि 835 लाख US डॉलर इनको इंटरेस्ट पे करना है 23 सितंबर 2021 तक, जो मार्च 2022 का जो इनका बॉन्ड है उसके लिए। तो आप फिलहाल अमाउंट पे ध्यान दीजिए कि 835 लाख US डॉलर इनको 23 तारीख तक पे करना है। 23 का मतलब वो आज 21 तारीख है, यानी परसों तक इनको पे करना है। दूसरा और एक इनको पे करना है जो कि 475 लाख US डॉलर भी, ये भी इंटरेस्ट का है। आप प्रिंसिपल सोचिए कि प्रिंसिपल की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये 835 लाख US डॉलर और ये 475 लाख US डॉलर जो है ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये सब ये इनको पे करना है, जो कि 29 सितंबर तक इनको पे करना है। ये मार्च 2024 के बॉन्ड का इंटरेस्ट है। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस कंपनी का फिनेंशियल सिचुएशन देखते हुए कि ना तो इसको मतलब ये कंपनी को कोई जो है इन्वेंट्री कंपनी अपना सेल कर पा रही है, ना इसको जहां जहां से इनका ड्यू था पैसा आना, ना तो वहां से पैसा आ रहा है। तो इनका फिनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि अब ये माना जा रहा है कि ये डिफॉल्ट हो जाएंगे, इनका जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो पेमेंट ये नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो सबसे जो वरी है, जो कंसर्न है, वो ये है कि जब ये इंटरेस्ट ही पे करने की स्थिति में नहीं है तो ये प्रिंसिपल कैसे पे करेंगे, जबकि प्रिंसिपल तो इनका इतना ज्यादा है, आप देख रहे हैं 300 बिलियन US डॉलर है, तो ये कैसे कर पाएंगे। तो ये सब चीज को लेकर के एक हड़कंप मचा हुआ है वहां पे। और ये इतनी बड़ी कंपनी है और इसका काम काम का जितना बड़ा है कि जो चाइना का जो जीडीपी है उसका 15 से 20% जो कंट्रीब्यूशन है वो एवरग्रेन करती है, यानी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर अगर किसी भी तरह की कोई वीकनेस आएगा या कोई डिफॉल्टर होने वाली बात आएगी तो जीडीपी पे तो असर पड़ेगा ही। और ये चीज रियल एस्टेट जो है वहां का वो मतलब एक केवल एवरग्रैंड की ही बात नहीं है, बाकी दूसरे भी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनका भी काम काज अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि पेनीडेमिक का जो इम्पैक्ट है वो सबके ऊपर है, सब हर किसी सर कोई सेम सिचुएशन से गुजर रहा है जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। तो 20,000 जो डेवलपर्स हैं वो भी प्लान कर रहे हैं कि भाई हम बैंकरप्सी फाइल करते हैं,
क्योंकि हम जो है वो पेमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो ये एक चाइना के सामने रियल एस्टेट को लेकर के बहुत बड़ा क्राइसिस एक आया हुआ है। अब इसका इम्पैक्ट ये है चाइना पे कि आप ये देखिए, ये जितने लोग हैं ये सब होम बायर्स हैं, तो ये लोग भी पैनिक हैं क्योंकि इनका पैसा फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने पूरा पैसा दे दिया है, वो बेचारे अपना वेट कर रहे हैं कंप्लीशन का। मगर जो है अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर जब इनको जब पता चल जाता है कि डेवलपर डूबने वाला है, तो ओबियस है कि बाकी जो पैसा देना होता है लोग वो भी रोक देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये पैसा दे दूं और उसके बाद इसको तो डूबना ही है भैया, मैं जो दे रहा हूँ पैसा ये भी डूब जाएगा। इसलिए जब तक स्थिति इसकी संभलती नहीं है और जब तक एक पब्लिक में एक ट्रस्ट क्रिएट नहीं होता है कि नहीं ये जो डेवलपर है अब इसकी माली हालत, अब इसकी फिनेंशियल स्थिति, अब इसकी वित्तीय स्थिति सही हो गई है, अब हमारे पैसे नहीं डूबेंगे, तभी हम इसको पैसे दें। लेकिन जो पैसा दे दिया उसका क्या, तो उसको लेकर के काफी ज्यादा पैनिक है, लोग परेशान हैं, लोग कितने लोग तो बेहोश हो रहे हैं वहां पे एवरग्रेंड के ऑफिस में जा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग कि भाई अब मेरे पैसे का क्या होगा, ये तो बिल्ड डेवलपर तो अब गया। उसके बाद आप देखिए कि इनका जो चाइना का जो एवरग्रेंड का जो इनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी देखिए कि धीरे 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 इनका गिरता चला जा रहा है। और अभी तक इनका आप ये देखिए ईयर टू डेट यानी एक साल से लेके अभी तक इनका 84 या 85% जो है इनका वो बिल्कुल नीचे गिर गया है, यानी कि ये लगभग खत्म हो गई है कंपनी, मतलब खत्म होने के कगार पे। आप ये प्रॉपर्टी इंडेक्स देखिए कि वहां जनवरी से लेकर के यहाँ तक का जो चाइना का जो प्रॉपर्टी इंडेक्स था वो भी देखिए कि कैसे धरातल में आ रहा है, यानी कि बिल्कुल वहां का जो रियल एस्टेट है वो क्रैश कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो एवरग्रेंड ने जो लोन लिया है उनमें इनका एक लेंडर्स है वो है मिनशेंग बैंकिंग कॉरपोरेशन, और उस बैंक का भी जो स्टॉक है यानी जो शेयर प्राइस है वो भी 4.6% के साथ एक रिकॉर्ड लो पे ट्रेड कर रहा है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे लेमन ब्रदर का जो क्राइसिस हुआ था अमेरिका का, आपको पता है 2008 में, वही क्राइसिस जो है उसी तरीका का एक बार फिर आ रहा है। और ये जो है ये ग्लोबल जो है ये वीकनेस आ रहा है जिसको हम वैश्विक मंदी बोले, हर जगह पे जो है जैसे 2008 में हुआ था कि सारा जो हांगकांग का जो शेयर बाजार हो गया, चाइना हो गया, आपका अमेरिका, हर जगह का जो था वो स्टॉक मार्केट पूरा वर्ल्ड का ग्लोबली वो गिर गया था। तो ये मान करके चला जा रहा है कि ये भी एक लेमन ब्रदर टाइप का ही क्राइसिस है, इस कारण आप मार्केट में इतना वीकनेस देख रहे हैं। मगर लेमन ब्रदर क्राइसिस था ये 600 बिलियन यूएस डॉलर का था जो 2008 में हुआ था। आपको मैं बता दूं कि लेमन ब्रदर जो था वो एक बैंक था और वो बैंक पूरे तरीके से क्रैश हुआ था, और उसके पीछे भी कुछ हद तक रियल एस्टेट का हाथ था क्योंकि वो मॉर्गेज लेकर के लोगों को कर्ज देता था वो बैंक। मगर वो प्रॉपर्टी का ही दाम इतना जो है सो नीचे गिर गया कि अब खरीदने वाले से ज्यादा बेचने वाले हो गए, तो स्थिति लेमन ब्रदर्स की उसके लिए आई थी। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा व्यू है, मुझे मेरा ये मानना है कि ये जो क्राइसिस है इसका एवरग्रैंड का, ये क्राइसिस जो है ये लेमन ब्रदर्स से ये छोटा क्राइसिस है मेरे नजर से। क्यों? क्योंकि ये रियल एस्टेट का क्राइसिस है और वो जो लेमन ब्रदर जो था वो पूरे बैंक का जो है वो कॉलेप्स होने का केस था वो। और आपको पता है कि जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है बैंक, अगर किसी भी कंट्री का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही क्रैश कर गया तो उसकी पूरी वित्तीय व्यवस्था जो है वो ढह जाती है और फिर वहां एक इकोनॉमिक जो है वो एक वीकनेस आ जाता है। तो जो लेमन ब्रदर था वो वित्तीय संस्थान से जुड़ा हुआ मामला था, मगर ये जो है ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो ये इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तो अभी पड़ रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इम्पैक्ट लेमन ब्रदर का पड़ा था। दूसरी बात है क्या कि ये चाइना में, चाइना का लोकल इशू है ये, और चाइना इसको जल्द से जल्द जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के जीडीपी का 15 से 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन है, जैसा मैंने आपको बताया एवरग्रैंड का। तो ऑब्वियस है कि चाइना भी इसको इतना हल्के से नहीं लेगा। हाँ, वो किस तरीके से इसको लेता है वो अलग बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को डायरेक्ट सपोर्ट कर देते हैं, कभी को कभी किसी को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मान लीजिए मेरे घर में आया और वो मुझसे कह रहा है कि आज तो मैं भूखा हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ पैसे दे दो,
तो एक तो तरीका है हमारे पास कि हम डायरेक्ट उसको कुछ पैसा दे दें कि लो भैया ये पैसा लो और जाकर के बाहर में कुछ खाना खा लो। दूसरा तरीका है कि हम ये देखें कि नहीं, इसको मैं डायरेक्ट अगर पैसा दूंगा तो इसका आदत खराब हो जाएगा, तो हमने घर का कोई छोटा मोटा काम करा लिया जो हमें कराना था और उसके बदले में हमने उसे पैसा दे दिया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो अब चाइना इसको डायरेक्ट सपोर्ट करती है इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है ये देखने वाली बात है, मगर ये इशू को जो है वो रिजॉल्व करेगी और जल्द रिजॉल्व करेगी। तीसरा चीज है कि हमारे यहाँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है वो अभी ये गलत लिखा हुआ है, कंपेयर टू 2018, 2018 नहीं होगा ये 2008 होगा, ये गलत लिखा लिख दिया मैंने, क्योंकि लेमन ब्रदर्स का जो केस हुआ था वो 2008 में हुआ था, सॉरी माफ कीजिएगा इसके लिए। क्या है कि अभी हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं एज कम्पेयर टू 2008, यानी आज से 13 साल पहले का हम कंपेयर करें तो, क्योंकि पहले हमारे पास कोई आदमी उतना एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं कराता था, पॉलिसी के नाम पे लोग LIC कराने ही ज्यादातर LIC का ही लेते थे, प्राइवेट में जो कुछ कुछ कंपनी थी वही आई थी। आज आप देखेंगे तो आप लिखेंगे मेडिक्लेम, तो आप देखिएगा कि काफी कम कंपनी है, चाहे आप किसी से भी करा लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, सैकड़ों कंपनी है जो मेडिक्लेम पॉलिसी आप जिससे लेते हैं, सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका आप SIP लेते हैं, पहले लोग उतना SIP नहीं करते थे, एक्सीडेंटल जो है सो पॉलिसी लोग पहले उतना नहीं लेते थे। तो हो क्या रहा है कि SIP के थ्रू ही आप देख लीजिए हर महीने महीने जो इंस्टीट्यूशंस को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को जो पैसा आ रहा है वो पैसा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगाएंगे कहाँ, स्टॉक मार्केट में ही तो लगाएंगे, और कहाँ से वो उतना जो है सो रिटर्न देंगे जो उनके जो इन्वेस्टर्स हैं SIP वाले। तो इस केस में क्या होगा कि होता है और अभी होता भी आया है ऐसा ही कि जब जब FII पैसा निकालते हैं हमारे इंडियन मार्केट से, तब तक DII जो है वो पंप करते हैं अपने पैसों को और मार्केट को ये खड़ा रखने की कोशिश करते हैं। अगर DII इतने पावरफुल नहीं होते तो हमारा मार्केट आज भी, जब US मार्केट थोड़ा सा कलेप्स होता तो आज हमारा भी कलेप्स हो जाता, वो ऊपर भागता तो हमारा भी ऊपर भागता, जबकि अब आप देखेंगे तो ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी जो डो जोन है जो US मार्केट है वो नीचे जाता है, मगर हमारे यहाँ एक मजबूती देखने को हमारे मार्केट में मिलती है, क्योंकि अब हम फिनेंशियली थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो रहे हैं और स्टेबल हो रहे हैं, और वो स्टेबिलिटी जो हमें दे रहा है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी DIIs दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2008 में इंडियन स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसलिए पड़ा था कि उस वक्त हम जो थे वो 90% FII के ऊपर ही 95% डिपेंड करते थे, मगर आज वो स्थिति नहीं है, आज हमारा DII जो है वो भी मार्केट को क्रैश होने से रोक सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसका क्या व्यू है इस क्राइसिस को लेकर के, वो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर आपने नाम सुना होगा, ये स्टॉक मार्केट पे क्लोजली ये वॉच करती है कंपनी, तो इसने कहा कि चाइना लाइकली वॉन्ट बेल आउट एवरग्रीन डायरेक्टली अनलेस देयर फॉर रीचिंग कॉन्टेजियन। मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना जो है वो इसको बेल आउट का मतलब क्या होता है कि हमने आपको एक बेल आउट पैकेज दे दिया कि जाओ भाई ऐसा करो, आप 10 साल के लिए पैसा मत लौटाओ, 10 साल के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, या चलो हमने इतना परसेंट आपको डिस्काउंट दे दिया बाकी इतने के ऊपर ही करो, या चलो हमने आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट में कट कर दिया, किसी भी तरीके का आप बेल आउट पैकेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनका ये मानना है, और SAP का मानना जो है SNP का बहुत ही मतलब लोग सीरियसली इस चीज को लेते हैं इनकी बात को, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट को ही मॉनिटर करती है SNP। तो चाइना जो है वो डायरेक्ट जो है वो बेल आउट पैकेज नहीं देगा एवरग्रेंड को। दूसरी चीज है कि SNP ने कहा है कि वी बिलीव द चाइनीज बैंकिंग सेक्टर कैन डाइजेस्ट एन एवरग्रेंड डिफॉल्ट विथ नो सिग्निफिकेंट डिसरप्शन, यानी कि जो चाइना का जो बैंकिंग सेक्टर है जहां से इन्होंने लोन लिया हुआ है वो इसके जो डिफॉल्ट है इसको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं विथ नो सिग्निफिकेंट डिसरप्शन, मतलब बहुत ज्यादा उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऐसा असर जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो या जो बहुत ज्यादा नोटिस करने लायक हो, तो इतना ज्यादा उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो चाइनीज जो बैंक हैं वो कैपेबल हैं, वो काफी साउंड हैं कि वो इस झटके को बर्दाश्त कर सकें, ऑल दो वी विल बी माइंडफुल ऑफ पोटेंशियल नॉक ऑन इफेक्ट्स। उसके बाद फिर दूसरी बात उन्होंने कही SNP ने,
कि वी डोंट एक्सपेक्ट गवर्नमेंट एक्शंस टू हेल्प एवरग्रैंड अनलेस सिस्टमेटिक स्टेबिलिटी इज एट रिस्क। देखिए ये बहुत बड़ी बात जो है सो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा कि हम गवर्नमेंट को जो है एक्शन लेते हुए तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि कोई उनके सिस्टम के स्टेबिलिटी पे कोई खतरा हो। सिस्टम अनस्टेबल कब होता है किसी भी कंट्री का, जैसा मैंने आपको बताया, जब उसका पूरा वित्तीय जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, वो पूरा हिल जाए। तो अभी वैसी स्थिति नहीं है, तो जब तक वैसा नहीं होगा गवर्नमेंट उसके अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगी और अभी इसको रिस्क पे नहीं माना जा रहा है। और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट वेल आउट वुड अंडरमाइन द कैंपेन टू इंस्टील ग्रेटर फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द प्रॉपर्टी सेक्टर। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने एक बार ये चीज़ बेल आउट दे दिया इस सेक्टर को, तो फिर ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जो है ये कमजोर करेगा, जो गवर्नमेंट जो धीरे 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 कोशिश कर रही है चीज़ों को अच्छा करने की, तो उसमें एक रुकावट पैदा करेगा। यानी लोग यूज टू हो जाएंगे कि भैया सरकार तो हमको बेल आउट नहीं देती है। तो ये जो है पूरा मेरा अपना नज़रिया है इसके ऊपर, और ये रीजन है कि इस रीजन से ये चीज़ चल रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि आज इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा जो है सो सुधरने की कोशिश कर रहा था, तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि मार्केट में तो कमजोरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर इंडियन मार्केट जो है वो पहले के जैसा उतना कमजोर नहीं है, उतना लाचार नहीं है, उतना बेबस नहीं है, उतना बेसहारा नहीं है। अब DII सहारा देने के लिए भारतीय जो है स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी है जो संभालता है। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये जान लीजिए कि अगर पड़ोस में कोई बीमारी, पड़ोस के मोहल्ले में कोई बीमारी होती है, तो हम अपने मोहल्ले में तो थोड़ा दरवाजा बंद करके घर में रहते ही हैं कि भाई हम बाहर ना निकले, कहीं हमको भी ना हो जाए। थोड़ा सा सावधानी तो हम बरतते हैं, तो अभी सावधानी भी बरतने वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इनका एक पेमेंट है 23 तारीख को देना, दूसरा पेमेंट है 29 तारीख को देना। 23 और 29 का मतलब 23 सितंबर एंड 29 सितंबर। तो 23 सितंबर को ये पेमेंट नहीं देंगे तो पहली बार डिफॉल्ट होंगे, 29 सितंबर को नहीं देंगे तो दूसरी बार डिफॉल्ट होंगे। तो हो सकता है कि 23rd और 29th को भी एक निगेटिव सेंटिमेंट बने। तो इस कंडीशन में आप जिसको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर बाई करना हो तो अभी हम थोड़ा सा और वेट कर लें, रुक जाएं, देखें, और अगर बाई भी करना हो तो मार्केट जितना ज़्यादा डीप करे तब हम थोड़ा थोड़ा जो है उठाते जाएं, ताकि जिससे कि हमारा एवरेज भी नीचे चलता जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से मार्केट को बहुत अच्छे से वॉच करने की ज़रूरत है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, मगर सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक भी नहीं है। तो मेरा ये अपडेट था इस चाइनीज क्राइसिस के ऊपर या ग्लोबल मार्केट के मंदी के ऊपर। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता कि आपको किन स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए इस समय, या किनको बेच के निकल जाना चाहिए। तो आप लोग जो है वो मेरी जानकारी का अपने इन्वेस्टमेंट में किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।